कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं येरांग और चेंग जिस आदमी को चेंग ने गाड़ी से उड़ा दिया था उसी को एक रिक्शे में छुपा देते हैं। असल में वो बेहोश हो गया था सिर्फ। चेंग कहती है, शुक्र है उसकी सांसें चल रही है। येरांग कहता है, तुमने ही उसे गाड़ी से उड़ाया था, अब तुम उसकी चिंता भी कर रही हो। चेंग कहती है, ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया था। येरांग कहता है, मैंने नहीं कहा था। चेंग कहती है, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम टिंगडोंग बनके मेरे साथ शियांग फैमिली चलो। मेरे पास इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, तुम मेरे ऑफर के बारे में थोड़ा सोच के तो देखो। येरांग कहता है, कभी नहीं। तभी अचानक से वहाँ एक कार आ जाती है और वो दोनों बोरी के पीछे छुप जाते हैं। येरांग कहता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप यहाँ छुपी रहो और बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। चेंग कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। अगर तुम्हें नहीं ले जा सकती तो मेरे लिए मौत ही सही है। ये कह के चेंग उठ के बाहर की तरफ जाने लगती है। टिंगडोंग उसे रोकने के लिए उसके गर्दन पे वार करता है और उसे बेहोश कर देता है और बोरी के पीछे छुपा देता है। तभी वहाँ पे कोई अनजान शख्स आके टिंगडोंग के सर पे गन रखता है। टिंगडोंग टर्न करता है और वो देखता है कार से वही ड्रग डीलर बिशप निकलता है। बिशप के आदमी ने ही येरांग पर गन पॉइंट कर रखा था। इससे पहले येरांग कुछ करता, बिशप कहता है, हान सिन सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। येरांग ये सुन के काफी चौंक जाता है। येरांग अपने मन में सोचता है, ये बिशप तो मुझसे पहली बार मिल रहा है और ये मुझे किस नाम से बुला रहा है, हान सिन के नाम से क्यों बुला रहा है। येरांग बचने के लिए झूठ कह देता है और प्रिटेंड करता है कि वही हान सिन है। वो कहता है, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आया था, बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बिशप कहता है, जी सर। उसके बाद बिशप और उसके आदमी अपने कार में जाके बैठते हैं। उसका आदमी कहता है कि आज इसी जगह हमारी अजूरे ड्रैगन के साथ डील होने वाली थी ना, लेकिन मैंने सुना है कुछ देर पहले ही अजूरे ड्रैगन और उनके राइवल गैंग के बीच गोलियां चली है। बिशप कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, हान सिन भी इस वक्त इस जगह क्या कर रहा है। जो भी हो, हम डील कैंसिल करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है येरांग की तरफ, जहाँ वो चेंग को उठा के ले जा रहा होता है क्योंकि चेंग तभी भी बेहोश थी। वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार बिशप ने मुझे देख के हान सिन क्यों कहा। मैं जिस हान सिन से इतना बेसब्री से मिलना चाहता हूँ, कहीं वो टिंगडोंग तो नहीं। येरांग घर जाके अच्छे से तैयार होता है, सूट बूट पहनता है। हम देखते हैं चेंग तभी भी बेहोश पड़ी थी चेयर पे। येरांग अपने मन में चेंग को कहता है, तुम्हें लगता है कि हम दूसरी बार मिल रहे हैं, लेकिन ये तीसरी बार है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं, बहुत पहले चेंग रोड क्रॉस करते टाइम येरांग से मिली थी, लेकिन उसे लगा था कि वो टिंगडोंग है, लेकिन तब टिंगडोंग चेंग के साथ ही था, इसलिए चेंग को लगा कि ये उसके मन का बहम होगा, लेकिन येरांग ने चेंग और टिंगडोंग को अच्छे से नोटिस किया था। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और चेंग को होश आ जाता है। चेंग कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। येरांग कहता है, बस टिंगडोंग के तरह दिखने की कोशिश, टिंगडोंग ऐसा ही दिखता है ना। चेंग कहती है, हाँ। येरांग कहता है कि मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। चेंग कहती है, तुम टिंगडोंग के ट्विन ब्रदर हो ना, फिर शियांग फैमिली में कभी तुम्हारा जिक्र क्यों नहीं हुआ। येरांग कहता है, क्योंकि उनके फैमिली में से किसी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता। चेंग कहती है, और उन्होंने कभी तुमको देखा भी नहीं, हम दोनों तो पहले भी मिल चुके हैं ना। येरांग कहता है, वो सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक था। येरांग कहता है, अब मुझे एक बात साफ साफ जाननी है, तुमने टिंगडोंग का क्या किया, वो जिंदा तो है ना। चेंग चेयर से उठती है और कहती है, वो बस बिजनेस के कुछ काम से साउथ ईस्ट एशिया गया है। चेंग कहती है, जो भी हो डील तो डन है ना, तो मैं कल तुमको लेने इसी जगह पे आऊंगी, तैयार रहना। उसके बाद चेंग वहां से चली जाती है और अपने कार में जाके बैठती है और अपने सेक्रेटरी को एक कागज देती है और कहती है कि पता करो कि शियांग रो उनी येरांग की माँ है या नहीं, मैं उसे शियांग फैमिली के पास ले जाने से पहले सब कुछ जानना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है येरांग की तरफ, जहाँ वो अपनी मॉम की मेमोरियल के पास जाके बैठता है। असल में उसकी मॉम बहुत पहले ही गुजर गई थी। वो पुरानी बातों को याद करने लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं, जब येरांग बहुत छोटा था वो बहुत ही लड़ाई झगड़ा करके एक दिन घर लौटता है। उसकी मॉम पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई। मैंने लड़ाई किया क्योंकि वो बच्चे कह रहे थे कि आपको श्याम फैमिली ने घर से निकाल दिया क्योंकि आपने जरूर कुछ गलत किया होगा, ये सच नहीं है। उसकी मॉम कहती है, तुमने सही कहा बेटा, ये सच नहीं है, लेकिन तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस जगह से बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे भी, इसीलिए तो मैं यहाँ आ गई रहने के लिए।
उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ चेंग सुबह उसी जगह आती है येरांग को लेने, लेकिन वो आके देखती है कि घर के अंदर आग लगी हुई होती है। वो चिल्लाती है, येरांग येरांग। तभी येरांग उसी घर के अंदर से निकल के आता है, जहाँ हम दोबारा फ्लैशबैक देखते हैं। येरांग अपनी माँ की मेमोरियल के सामने कह रहा होता है कि आपने मुझे मना किया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए शियांग फैमिली के पास वापस नहीं जाने के लिए, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, इसलिए मुझे जाना ही पड़ रहा है, मुझे माफ कर दीजिएगा मॉम। इतना कह के वो तिंगडोंग की फोटो को जला देता है और पूरे घर में आग भी लगा देता है ताकि कोई भी उसे ट्रेस ना कर पाए। ये सब उसने पहले ही अपने गैंग मेंबर के साथ प्लान कर लिया था। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ चेंग कहती है कि तुमने ही घर को आग लगाया। येरांग कहता है कि ताकि कोई भी मुझे ट्रेस ना कर पाए। उनके वहां से जाने के बाद येरांग के गैंग के मेंबर नाटक करने लगते हैं जैसे कि वह आग बुझा रहे हो। तभी एक मेंबर आके कहता है कि ये सब करना बेकार है, येरांग ने बहुत सारी दुश्मनी मोल ले ली थी। तभी तो अचानक से कोई आता है और उसके दिल में गोली मार के इस जगह को भी जला के चला जाता है। येरांग तो मर चुका है। वहाँ पे पिछले रात का वो राइवल गैंग का मेंबर भी आया हुआ था। वो देख के समझता है कि येरांग तो मर चुका है और सोचता है कि अच्छा ही हुआ मर गया, नहीं तो मैं ही उसे ढूंढ के मार देता। इसी तरह येरांग और उसके गैंग मेंबर्स मिलके येरांग के सभी ट्रेसेस मिटा देते हैं सक्सेसफुली। दूसरी तरफ हम चेंग और येरांग को स्टेशन पहुँचते देखते हैं, जहाँ चेंग कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो खाना लो। तुमने कितना कुछ किया, तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने स्ट्रेसेस भी मिटा दिए। येरांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। चेंग कहती है जो भी हो तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए, ये लो। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। येरांग कहता है अचानक से इतने अच्छे से पेश आने लग गई, आखिर बात क्या है, चाहती क्या हो। चेंग कहती है बस मैं तुम्हारे साथ ये डील सक्सेसफुली कम्प्लीट करना चाहती हूँ। येरांग कहता है तो एग्रीमेंट करनी पड़ेगी। चेंग कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस पिंकी प्रॉमिस करो। येरांग कहता है एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स के बदले पिंकी प्रॉमिस। वो कुछ सोचता है, उसके बाद वो मान जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।